हेलो गाइस, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आप लोग कैसे हो? ये देखिए सब्जी पक गई है। हम इसमें डालेंगे गुड़। दूसरा सीक्रेट सब्जी को स्वादिष्ट बनाने का, इसमें डाल दिया गुड़। आप अपने मन से जो चाहें तो गुड़ डाल सकते हैं, उससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, इसलिए हम गुड़ ही ज़्यादातर डालते हैं। और यदि आपकी इच्छा हो तो आप चीनी भी डाल सकते हैं, पर गुड़ का टेस्ट अलग होता है, गुड़ टेस्ट ज़्यादा बढ़ा देता है। ये हमने डाल दिया गुड़, गुड़ गल भी गया है। अब हम इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर। गरम मसाला हमारे पास ख़त्म हो गया है, इसलिए गरम मसाला हम नहीं डाल रहे। गरम मसाला इसी समय डालना चाहिए। खट्टे के लिए डालेंगे किसी भी खटाई अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर कद्दू की सब्जी तैयार हो गई, खट्टी और मीठी। बन गए हैं चावल भी बन गए, चाहे चावल के साथ खाओ, चाहे रोटी के साथ, चाहे पराठा के साथ। सब्जी हमारी रेडी हो चुकी है, उसको कर देते हैं बंद। मम्मी ने सब्जी बना ली, अब हम बनाएंगे पराठे। तो हम जा रहे बनाने पराठे। वैसे तो ये लोग बनाते हैं, लेकिन आज इनका व्रत है तो नहीं बना रही हूँ। ये देखो आटा इतना है और ये लोई बना रही हैं। आटा का लिया है ढीला, जो कभी कभी करेगा काम फिर वही हो, यही होता है उसके साथ। अंदाजा आया ही नहीं, पानी ज़्यादा डाल दिया आटे में, आटा हो गया ढीला। अरे हाथ में लगाए होते हो यही रिफाइंड तुम उसको, तब तुम्हारे हाथ में चिपकेगा नहीं। एक बना लिया था फिर। हाँ। अब उसको तुम पूरा मसल दोगी तो तुम्हारे हाथ में कहाँ बचेगा रिफाइंड, तो लगेगा ही नहीं, फिर और डालना पड़ेगा। चिपके ना, इसीलिए हमने तुम्हें बता दिया, उसमें थोड़ा रिफाइंड डाल दो। ये लोई बना रही है। अरे चीटी मसाला, चीटी भी मत डरी, चीटी वीटी न मारो भाई। इनकी देखो ये लोई कब तैयार होती है, बस इतना ही आटा बनना है। हम लोग तो चावल ही खाते हैं, पिताजी इनके खाते हैं रोटी पराठा तो बनता है, हम लोगों को तो जरूरत ही नहीं रोटी वोटी, रोटी कम पसंद आती है। पूड़ी पराठा बता दे तो खा लेंगे। सो नुकसान करते गर्मी में, ये तो उसलिए खाते नहीं। पराठा बन रहे हैं, पर आज सब्जी है कद्दू की और चावल कद्दू अच्छा लगता है, बस पराठा वराठा खाने का मन नहीं। सिर्फ अब पराठे बच्चे बनाना, बाकी पूरा खाना। हाँ चावल तो बना चुकी हैं, दीप्ति ही बनाए थे चावल, दिखाएंगे कैसे बनाई है, चिपके चिपके हैं कि खिले खिले हैं। अभी दिख कैसे हैं, खिले खिले अभी हमने देखा नहीं है, वो बाद में देखेंगे, पहले इनकी लोई तैयार हो जाए। देखो इतने पराठे बनाने में ना कितनी दिक्कतें होती है। हाँ ये बेल देंगे, हम सेक लेंगे, इस तरीके से इन्हें आराम रहेगी। एक तो ये ढीला कर ली है आटा, बस बेलते टाइम देखना सही है कि गलत, तब पता चलेगा। दीप्ति बना रही है भाई पराठा। हाँ सुबह से शाम तक का इकट्ठा बनाए दे रही हैं खाना, तो तवा तो हमने रख दिया था, बस ये बेले हम सेक दें।
ये देखो दीप्ति ने कैसा पराठा बेला बनाया, इतना बड़ा, कहाँ से कहाँ तक, कौन सा भैया बताओ नक्शा बनाई है, किस देश का है, कहाँ से कहाँ तक फैला। ये पहला वाला है, इसको सेक कर दे देंगे सबको, तो भैया को दे देना, मुझे समस्या भैया नहीं मिलती है समय पर, बेल नहीं, हम सेक रहे हैं। कैमरा पकड़ते नहीं बन रहा, तो ठीक है, बढ़िया। एक मिनट, ये हो गया पहला पराठा, इतना बड़ा है, इसका तब भी ठीक है सर, वो तो ये कुछ मुझे नहीं आ रहा था, कौन डिजाइन का कहाँ से कहाँ तक खरीदा, और हम कह रहे ला हम बेलें तो बेलने नहीं देंगे, सीखना नहीं आता ना, मैं तो देखना आता नहीं तो हमसे सीखवा रही, उससे वो ठीक, थोड़ा साइज में भी कम हो गया, ऐसे ही करके सब बनवा के रखे दे रहे हैं। ये देखो चावल बनाए, थोड़ा गीला हो गया, सब्जी वाले से ही पसंद है, थोड़ा बर्तन बड़ा ले लेती थाली, यही होता है जो करता रहता है उसको सब समझ में आता है, जो न करे उसका यही होता है। पिद्दी भर की थरिया में तुम दे रही हो, भरी भरी थाली लग रही, खाते नहीं बनी है, भरी भरी आता तो बहुत करती है।